नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष के जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी चतुर्थ इकाई की तरफ बढ़ते हैं। हमारी चौथी इकाई में द्रुत पाठ हेतु जो निर्धारित कवि हैं उनमें हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। इन तीन कवियों को हमारी चतुर्थ इकाई में द्रुतपाठ हेतु निर्धारित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इनकी रचनाओं का गहन अध्ययन नहीं करना है, लेकिन इनकी ऊपरी ऊपरी जानकारी हमें होना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले आज हम हमारे कालांश में इन कवियों में से महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन और उनके काव्य की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। यदि महादेवी जी के हम संक्षिप्त जीवन परिचय को देखें तो महादेवी जी का जन्म है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ था। महादेवी जी ने 1933 ईस्वी में संस्कृत विषय से एमए उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की वे प्रिंसिपल भी नियुक्त हुई। इनकी जो माताजी थी वे हिंदी की विदुषी थी। तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम अपनी माता से ही प्राप्त हो गया था। महादेव जी का देहावसान सन 1987 में हुआ, अर्थात लगभग 80 वर्ष का आपका जीवनकाल रहा। प्रारंभ में महादेवी जी ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु शीघ्र ही श्री मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर आपने खड़ी बोली हिंदी को ही कविता का माध्यम बनाया। इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण कविता ही है, किंतु गद्य लेखन पर भी महादेवी जी का पूरा पूरा अधिकार था। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं नाम से आपके संस्मरण और रेखाचित्र प्रकाशित हुए हैं। अन्य गद्य रचनाओं को देखें तो उनमें श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, पथ के साथी मुख्य हैं। श्रृंखला की कड़ियां नारी समस्याओं पर निबंधों का ही संग्रह है। यदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की तरफ हम ध्यान दें तो आपकी प्रमुख काव्य रचनाओं में सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, नीरजा, निहार आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक है। महादेवी जी के अलावा यदि हम देखें तो पंत, निराला और प्रसाद जी और चौथे महादेवी चारों ही छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। अज्ञात प्रियतम के प्रति वेदना भाव की जो अभिव्यक्ति है इनके काव्य में हमें प्रमुखता से देखने को मिलती है। वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण ही महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह वेदना की भावना के कारण ही उनके काव्य में रहस्यवाद की भी प्रमुखता है। और यदि हम उनकी रचनाओं को देखें तो उनकी रचनाओं में सर्वत्र वेदना व्याप्त है। विरह प्रेम का उदात्त स्वरूप है तथा प्रेम की कसौटी है। कबीर की विरहिणी आत्मा इसी का संबल लिए हुए प्रियतम से मिलन को अधीर है, तो यही विरह है मीरा का सर्वस्व बनकर उसे कृष्ण के प्रेम में दीवाना बना रहा है। घनानंद के काव्य में भी यही प्रेम सुजान के प्रति विरह भाव के रूप में हमें दिखाई देता है, तो यही विरह आंसू बनकर प्रसाद की आंखों से बरस रहा है। इसी विरह वेदना ने महादेवी जी को व्यग्र बनाकर बेचैन कर उन्हें अपनी तुलना
नीर भरी बदली से करने को विवश कर दिया है। माँ देवी जी कहती भी हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलती मिटा चली। महादेवी जी की विरहानुभूति अत्यंत उन्नत एवं उत्कृष्ट है, जिसमें प्रेम का आवेग है, वेदना की तीव्रता है और व्यथित चित्र की मनोदशाओं का भी निरूपण है। महादेवी जी की मान्यता है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखता है। मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, किंतु दुख सबको बांटकर विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना चाहता है जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। अब यदि हम महादेवी जी के काव्य में वेदना तत्व को देखें तो विद्यार्थियों, हम इसे अलग अलग बिंदुओं में बांटकर स्पष्ट कर सकते हैं। महादेवी जी के काव्य में वेदना तत्वों में यदि हम इन्हें बिंदुओं में बांटें तो सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं, हमने लिखा है प्रेम वेदना की गहनता। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम वेदना की गहनता है, वो सर्वत्र विद्यमान है। वेदना उन्हें इतनी प्रिय है कि वे उसका साथ छोड़ना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इसी वेदना के माध्यम से उन्होंने सर्वशक्तिमान चेतनामय ईश्वर का दर्शन भी किया है। जैसे वे कहती हैं, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम मैं ढूंढूंगी पीड़ा। इस प्रकार से उनके काव्य में प्रेम वेदना की गहनता के दर्शन हमें सर्वत्र ही होते हैं। दूसरी यदि हम विशेषता देखें उनके विरह तत्व की, वेदना तत्व की, तो वह है करुणा की प्रधानता। विरह की तीव्र अनुभूति के कारण महादेवी जी के हृदय में अपार करुणा हमें दिखाई पड़ती है। महादेवी जी के समय का निराशावाद भी इसी करुणा को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुआ है। करुणा का भाव कवित्री के अनुसार अत्यंत ही पवित्र है और उसकी स्पर्श छाया से दुख भी है निखर उठता है। जैसे वे कहती है, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो शूल भोले क्षार दृग जल अघर्य होले, आज करुणा स्नान उजसा दुखी मेरी दुखी मेरा पुजारी। इस प्रकार से करुणा की जो प्रधानता है या करुणा भाव है वह प्रधान रूप से उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं तो अगली विशेषता है नारी सुलभ सात्विकता। महादेवी जी के हृदय में वेदना की कोमल भावनाओं के साथ साथ नारी हृदय की स्वाभाविक सात्विकता भी समाहित है। उनके गीतों की प्रेम वेदना में न द्वेष है, न घृणा है, न कटुता है और न ही प्रतिकार है। यदि है तो केवल और केवल वेदना है, जिसमें उनका अपना नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का है असीम शोक समाया हुआ है। उनकी जो करुण पुकार में नारी हृदय की वेदना का स्पष्ट अंकन हमें दिखाई पड़ता है। जैसे उन्हीं के शब्दों में, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पकार, जो तुम आ जाते एक बार। इस प्रकार से नारी सुलभ सात्विकता के दर्शन हमें उनके काव्य में दिखाई देते हैं। अगली विशेषता की तरफ बढ़े तो वह है माँ देवी की आध्यात्मिकता।
महादेवी वर्मा की विरह अनुभूति अध्यात्म प्रधान है, किंतु वह परंपरागत धार्मिक भावनाओं से न जुड़कर मनुष्य के जीवन से अधिक जुड़ी हुई है। अलौकिक के साथ उनकी लौकिक प्रणय अनुभूति का सामंजस्य उनकी भावना की सफल अभिव्यक्ति करता है। अपने इसी आध्यात्मिक अनुभूति के कारण वे अपने अज्ञात प्रियतम को लौकिक वस्तुओं में खोजती है। जैसे वे कहती है कि कुमुल दल से वेदना के दाग को पोंछती, जब आंसुओं से रश्मियाँ चौंक उठती, अनिल के निश्वास छू तारिकाएँ चकित सी अनजान सी, तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। इस प्रकार से आध्यात्मिकता के दर्शन हमें उनके काव्य में होते हैं। अगली विशेषता की तरफ बढ़े तो वह भक्ति की तन्मयता। महादेवी जी के काव्य में आध्यात्मिकता के साथ साथ भक्ति भाव भी मुखरित होता है। भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के लिए देव की प्रतिमा के श्रृंगार की सारी जो सामग्री है सजा कर वे पूजा अर्चना में लीन हो जाती है। हाँ, सामग्री का रूप है सामान्य भक्त की सामग्री से भिन्न है, किंतु पूजा का भाव वही है। यथा वे कहती हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। इस जो पूजा अर्चना है इसमें पार्थिवता नहीं है, किंतु तन्मयता वही है जो कि एक भक्त में होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि महादेवी के काव्य में उपलब्ध वेदना भक्ति की तन्मयता से परिपूर्ण है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, वह है विरह वेदना की निरंतरता। महादेवी के काव्य में विरह भावना का अविरल प्रवाह है। उसमें नदी की तीव्र धारा के समान अजस्र स्रोत हैं। उनका हृदय सिंधु वेदना भाव से निरंतर उद्वेलित होता रहता है, इसलिए उसमें से भावानुभूतियों का अविरल शाश्वत एवं अजस्र प्रवाह होता रहता है। महादेवी की विरह वेदना कृत्रिम न होकर स्वाभाविक है, इसलिए वे अपने जीवन दीप के साथ स्वयं भी प्रज्वलित रहने की कामना करती है। वे इस जीवन द्वीप से प्रियतम के पद को आलोकित करना चाहती है, इसलिए वे कहती भी है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। वे मिलन नहीं चाहती और चिर विरह की साधना करना चाहती है। उनके व्याकुल प्राणों का संगीत तो केवल अंधेरा ही है, इसलिए वे कहती है, शून्य मेरा जन्म था अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ। इसलिए आपने देखा कि इस प्रकार से महादेवी जी के काव्य में विरह वेदना की जो निरंतरता है वह हमें दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ें तो विद्यार्थियों, वह है भावोद्रेक। उनके काव्य में जो भावावेश है वह न बनावटी है और न ही दिखावटी है, वह उनके हृदय से निकली हुई सत्य व्यथा है। यदि हम उनके भावाद्रेक को देखें विद्यार्थियों, तो कहती है खुद भी, पुलक पुलक और सिहर सिहर तन, पुलक पुलक और सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर, संकुच सलज खिलती शेफाली, असल मौल श्री डाली डाली। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगली विशेषता है अंतर दशाओं की विविधता। वियोग अथवा जिसे कहें विरह, वह है विप्रलंब श्रृंगार से संबंधित है।
जिसकी निम्न अंतरदशा हैं। विप्रलंब श्रृंगार की अंतरदशाओं में अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण, और इन सभी दशाओं का वर्णन है महादेवी जी के काव्य में दृष्टव्य है, हमें दिखाई देता है। यदि चिंता और उद्वेग की स्थिति की बात करें तो वे कहती हैं, भर लूँ किस छवि से अंतरतम, भर लूँ किस छवि से अंतरतम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। अभिलाषा रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, पुलकों से भर फूल बने कितने प्राणों के छाले हैं, पुलकों से भर फूल बने कितने प्राणों के छाले हैं, अली क्या प्रिय आने वाले हैं। यदि उनके विरह में देखें या विरहानुभूति जो उनकी है उसमें गहन प्रेम वेदना का तत्व व्याप्त है। वे करुणा से ओतप्रोत विरह की ऐसी कवित्री है जो अज्ञात प्रियतम की खोज में लीन है। उनके विरह में आध्यात्मिकता, पावनता, सात्विकता एवं उदात्तता है। यह विरह वेदना मौन, नीरव तथा एकाकी है, इसलिए वह असीम, अजस्र एवं अविरल है। उनका जो क्रंदन है, क्रंदन भी मूक है। पंत जी ने उनकी विरह वेदना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वह वेदना